पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, शिवराज सरकार आने के बाद लगातार प्रदेश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और आवाज उठाने पर रोजगार देने के बजाय लाठियां दी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले 27 सीटों के उपचुनाव से पूर्व किसान आत्महत्या और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। शिवराज सरकार को प्राकृतिक आपदा के साथ साथ कांग्रेस के साथ दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री शर्मा ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। शर्मा ने कहा कि पहले सीहोर और अब जिले के ही इछावर में किसान ने जान दे दी है। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार के आने से लगातार किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है। जब 15 सालों तक शिवराज सरकार थी तब भी प्रत्येक साल हजारों किसान मायूस होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करते थे। राजधानी में बेरोजगार युवा संघ के आह्वान पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान उन पर भांजी गई लाठियों को लेकर भी पीसी शर्मा ने निंदा की। उन्होंने कहा कि एक और तो सीएम मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, मगर जब युवा रोजगार के लिए आवाज उठाता है तो उन्हें रोजगार देने के बजाय लाठियां दी जाती हैं। पहले सीहोर में हुई थी, अब इछावर में हुई है। सुरेंद्र वर्मा जी, उन्होंने भी आत्महत्या की है। लगातार किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। जब शिवराज जी की 15 साल सरकार थी तब भी हर साल हजारों की तादाद में किसानों ने आत्महत्या की थी। इसीलिए राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने ऋण माफी अभियान चलाया था, जैसे ही शपथ ली उसके एक घंटे के अंदर, और 26.5 लाख से ज़्यादा किसानों के कर्जे माफ़ हो गए। लेकिन उसको इन्होंने रोक दिया। इन्होंने बीमा आज तक नहीं दिला पाए हैं फसल का। जो बाढ़ में जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा आज तक मिला नहीं है। कुल मिला के किसान विरोधी सरकार है। मुख्यमंत्री जरूर कहते हैं कि किसान पुत्र हैं, लेकिन किसान परेशान हैं, लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो युवा रोजगार कर रहे हैं। बेरोजगार युवक संघ मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते थे, उन पे जो लाठीचार्ज हुआ उसकी मैं निंदा करता हूँ। और एक तरफ मुख्यमंत्री जी बार बार घोषणा करते हैं कि हम मध्य प्रदेश की युवाओं को रोजगार देंगे, और ये पद निकले थे, पुलिस के पद थे, इसमें शिक्षकों के और अन्य वो थे, उनकी मांग ये थी कि इनको, जब आप ही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की युवकों को देंगे तो इनकी कॉल बुलाइए और इंटरव्यू लीजिए और भर्ती कीजिए। वो तो सरकार कर नहीं रही है, लेकिन रोजगार दे नहीं रही है और रोजगार के बदले में लाठी गोली दे रही है। और इसी तरह से जो मॉडल मंडी एक्ट में लोग जो कर्मचारी मंडी के हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन उससे बातचीत नहीं कर रही सरकार, और ये नहीं बता रही कि मंडी एक्ट लागू नहीं होगा, जो पुराना है वो चलेगा, जिससे कर्मचारी, हमाल और तोलने वाले, इन सबको फ़ायदा ही, बड़े बड़े सरमाएदारों क्यों लाभ पहुँचाना चाहते हैं। और इसकी वजह से साग सब्जी सब महंगी हो गई है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इसी तरह से जो सब इंजीनियर्स हैं पीडब्ल्यूडी के, उनने भी कल प्रदर्शन किया था, उनकी बातों पे भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात है कोरोना की। कोरोना में इलाज के लिए अब लाखों रुपए लग रहे हैं, टेस्टिंग के लिए पैसे लग रहे हैं। भाई जब कोरोना इस सरकार के आने के बाद आया, दिल्ली की सरकार ने एहतियात नहीं रखा इसलिए आया, तो टेस्टिंग और ये फ्री होना चाहिए। और ये हम देख रहे हैं कि लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो 1000 संक्रमण भोपाल में हुआ है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।